चुनाव के समय नेताओं के बयान परवान चढ़े होते हैं, खूब दावे और वादे, सरकारी नौकरी का वादा, ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे, वगैरह वगैरह। इसी बीच पंजाब में भी नेताओं ने उपचुनाव में जीत के लिए वादे करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस आप बीजेपी सभी ने अपनी कमर कस ली है और चुनावी क्षेत्रों में जाकर अपनी पार्टियों के समर्थन में वोट के बदले वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने भी जनता से वादा किया है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। क्या कहा है, चलिए इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सभी सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इनमें गिद्दड़वाहा, चब्बेवाल, बरनाला और डेरा बाबा नानक की सीटें शामिल हैं। ऐसे में गिद्दड़वाहा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार का वीडियो वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वीडियो में मनप्रीत सिंह बादल लोगों के बीच बैठे हुए किसी नौजवान से कह रहे हैं कि तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाओ और वे PRTC यानी पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में उसकी नौकरी लगवा देंगे। उसके अलावा वे केंद्र सरकार की नौकरियों में युवकों से नौकरी लगवाने का भी वादा कर रहे हैं। यहाँ मनप्रीत युवाओं से BSF, CRPF, ITBP और रेलवे में नौकरी लगवाने का वादा कर रहे हैं। वीडियो में ये भी सुना जा सकता है कि वे किसी व्यक्ति का हवाला दे रहे हैं जो उन्हें जानता है और नौकरी लगवा सकता है। खैर, बादल का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए हैं। दोनों का कहना है कि मनप्रीत बादल इससे पहले भी गिद्दड़वाहा के विधायक रहे, तब कितने लोगों की नौकरी लगवाई। आपने तो उनको चैलेंज भी दिया है और कहा है कि मनप्रीत बादल लिस्ट जारी करें और बताएं उन्होंने अब तक कितने युवाओं की नौकरी लगवाई है। वहीं आप प्रवक्ता नील गर्ग ने आचार संहिता के उल्लंघन का भी हवाला दिया है। सो बादल साहब, इस तरह के जो झूठे नारे, वो लोग तुहानू जानते हैं, तुहानू पहचानते हैं, ना गिद्दड़वाहा दे लोग नवे ने, ना बठिंडे के लोग नवे ने। सो इस तरह के झूठे नारियां दे नाल गल बनी नहीं। बट मेरी तुहानू यह वीडियो के जरिए एक बेनती जरूर है, तो जरूर यह लिस्ट शाम तक जारी करो जिन्हों नौजवानों को तुम 16 साल सरकारी नौकरियां गिद्दड़वाहा के लोगों को दित्तियां सी। एक बंदा तुसी जरा दस दियो मगरले 20 साल किन्ने तुसी ITBP च भर्ती कराए, किन्ने BSF च भर्ती कराए, किन्ने फौज च कराए ते किन्ने रेलवे च कराए। उल्टा जिहड़ी स्कीम सी अग्निवीर, ओह तां 4 साल दी करती। सो इन्ने गप ना बोलो महाराज। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लगातार हमले के बाद मनप्रीत बादल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सफाई में कहा है कि पिछले सालों में उनके CPIT सेंटर के जरिए कई बच्चे पंजाब में भर्ती करवाए गए हैं। नौकरी दिलवाने को लेकर उन्होंने बताया कि 12वीं पास करने के बाद ज़्यादा बच्चे CRPF, फौज और ITBP में भर्ती होते हैं और वे यही बात गाँव में बच्चों को बता रहे हैं। मैं पिछली बारी MLA बनया सी तां मदीर पिंड दे विच ते कालचराणी पिंड दे विच CPIT सेंटर खोले सी। ਇਹ CPIT ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ CPIT ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ CPIT ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, BSF, ITBP, CISF, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ CPIT ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਦ ਦੀ ਛੋਟ ਦਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਮਰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵਚਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਬਕਾਇਆ ਉਮਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਗਿੱਜੜਵੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹਿਰਾਲ, आपको बता दें कि गिद्दड़वाहा सीट से अमरिंदर सिंह राजावर्डिंग की लुधियाना से सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। अब कांग्रेस ने उनकी पत्नी अमृता बडिंग को मैदान में उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने मनप्रीत बादल को यहाँ से मैदान में उतारा है। इससे पहले भी मनप्रीत बादल अकाली दल में रहते हुए गिद्दड़वाहा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 1995 से 2010 तक गिद्दड़वाहा का बतौर विधायक नेतृत्व किया है। वहीं
अकाली दल की जब सरकार थी तब वो वित्त मंत्री भी रहे थे, लेकिन 2017 से 2022 तक कांग्रेस से बठिंडा की शहरी सीट से मनप्रीत बादल विधायक रहे हैं। ऐसे में अब 2023 में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, लिहाजा बीजेपी ने भी उन्हें उपचुनाव में गिद्दड़वाहा से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इस चुनाव में उनके लिए कई चुनौतियां बताई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि वे दल बदलू हैं क्योंकि उन्होंने कई पार्टियां बदल ली हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि इसका उन्हें नुकसान भी हो सकता है। वहीं लगातार चार बार गिद्दड़वाहा से विधायक रहने के बाद सालों तक वो यहाँ से दूर रहे और अब उपचुनाव में एंट्री की है, लिहाजा वैसा रिस्पॉन्स नहीं जुटा पा रहे हैं जो पहले मिलता रहा है। ऐसे में बादल नौकरी दिलवाने जैसे वादे कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।